आपकी जिंदगी में वापस जाते हैं तो याद कीजिए दादा वो दिन जब आप पहली बार फुटबॉल से प्रभावित हुए और फुटबॉल की फील्ड में आप कैसे आए, कैसे ये प्यार उमड़ा फुटबॉल की? जब मैं स्कूल में पढ़ता था राइसिना बंगाली स्कूल में फिफ्थ क्लास में, तब मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया राष्ट्रपति भवन के अंदर। राष्ट्रपति भवन के अंदर 3 फुटबॉल ग्राउंड था जहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे बहुत सारे, राजा जी फुटबॉल टूर्नामेंट, दिल्ली लीग, और वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स जो दिल्ली टीम के लिए खेलते थे। हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड के अंदर एक स्कूल ग्राउंड है, एक प्रेसिडेंट स्कूल के अंदर एक ग्राउंड है, एक राष्ट्रपति भवन के अंदर एक ग्राउंड है। तब के राष्ट्रपति जितने भी राष्ट्रपति थे वो हमारे मैचेस देखते थे, वहाँ पर बैठ के वो आके देखते थे। तो वो हम बहुत लकी हैं कि हमें अच्छा ग्राउंड मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हमने टीवी के ऊपर नहीं ध्यान दिया, हमने फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर ध्यान दिया। तो उस वो फुटबॉल खेलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं स्कूल नेशनल जब खेलने लगा तो एक बहुत बड़ी एक बहुत ही अच्छी एक घटना है। रायसना स्कूल बंगाली स्कूल से मैं खेलने गया था मॉडर्न स्कूल बाराखामा रोड में, तो स्ट्राइक हो गई थी स्कूल के अंदर कि मैच देखने के लिए पूरा स्कूल करता कि हम मैच देखने जाएंगे। तो पैदल पैदल गोल मार्केट से लेके बाराखामा रोड, वहाँ पर पैदल पैदल सब स्कूल के बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे सब मैच देखने गए। विश्वास नहीं होता दादा, आज के युग में तो ऐसा, मतलब आप अगर किसी को बताएंगे कि इस तरह की घटना हुई कि पैदल बच्चे स्कूल के बच्चे फुटबॉल का मैच देखने जा रहे हैं, वो भी इंटर स्कूल जोनल मैच, और 3 किलोमीटर वो पैदल गए। पैदल जाने के बाद वहाँ पर मैच देखा और भगवान की कृपा थी कि मैंने एक गोल मारा, एक गोल से जीते। तो वो स्टेट्समैन में छोटा सा मेरा नाम आया, वो सबसे बड़ा मेरे लिए उपलब्धि है कि एक पेपर में नाम आया कि अनादि बरुआ स्कोर फॉर रायसिना बंगाली स्कूल, रायसिना विन दिस टूर्नामेंट। और पूरा मॉडर्न स्कूल के बच्चे जो थे वो उनके पास ड्रम स्टिक और म्यूजिक और गिटार लेके वो पूरा जैसे यूरोपियन फुटबॉल होता है ऐसे चल रहा था कि वो इतना पूरा क्राउड था। लेकिन और हमारी टीम रायसिना बंगाली स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे खेले। तो ये आस्ते आस्ते फुटबॉल का एंकरेजमेंट वहाँ से मिला मेरे को। वाओ दादा, बहुत अच्छा लगता है किसी प्लेयर की उपलब्धियों के बारे में जानना। और ये पुरानी बातें हैं ना, आज का तो युग है कि आप मोबाइल फोन के जरिए देख सकते हैं कि दूसरा बंदा कहाँ है और कहाँ हेल्प, और वहाँ 3 किलोमीटर बच्चे पैदल चले। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। लेकिन किस तरह की फिटनेस से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले जो भी यंग फुटबॉलर हो उसको पहले विदाउट बॉल ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्टेमिना, विदाउट स्टेमिना आप नहीं खेल सकते। पहले हमारे प्लेयर्स आजकल के प्लेयर्स क्या है कि बॉल से खेलना है। रही बात जब आप 5 से लेकर 8 साल तक बच्चे हैं, थोड़ा बॉल से खेलें, थोड़ा फन गेम खेलें, थोड़ा रनिंग करें। लेकिन 8 से लेकर 12 साल के अंदर आपको विदाउट बॉल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। विदाउट बॉल दादा मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुश्किल है रेडियो में समझाना, क्योंकि आप ड्रिबल करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, बट फिर भी अगर कोशिश करना विदाउट बॉल मीन्स जो आपको जो रनिंग करते हैं हम, तो उसको एक को कहते हैं शटल रनिंग। आप इस ग्राउंड के अंदर 10 मीटर में रनिंग करें या 10 बार 10 टाइम्स, फिर एक रेपिटेशन हो, फिर थोड़ा रिलैक्स करें, फिर दूसरा रेपिटेशन हो, आप 50 मीटर दौड़ें, फिर आप आते टाइम वॉक करके आएँ, फिर आप 50 मीटर दौड़ें, 100 मीटर दौड़ें, ऐसे करके आपको नियर अबाउट 40 मिनट तक आपको रनिंग करना पड़ेगा फिटनेस के लिए। अगर आप फिट होंगे तो आपकी एजिलिटी स्टेमिना बढ़िया होगा, तो आप फुटबॉल अच्छा खेलेंगे, क्योंकि फुटबॉल के अंदर एजिलिटी स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा गेम है जो पैर से खेलते हैं, पैर से सब कुछ, पैर के ऊपर वजन है। अगर आप बैडमिंटन ले लें, क्रिकेट ले लें, कोई से भी गेम ले लें, आप फुटबॉल उसमें खेलें, आप हाथ से खेलते पैर से दौड़ते, लेकिन
फुटबॉल पैर से दौड़ना है, पैर से खेलना है, तो आपका पूरा जो बॉडी का वेट है वो पैर पे है, तो आपको देखना है कि आपको कैसे खेलना है। इसलिए आपको रफ एंड टफ कमांडो ट्रेनिंग हर चीज आपको करना है। जैसे आपने अभी बताया कि रोनाल्डो ने हेड लिया, तो आपको हाई जंप लॉन्ग जंप हर चीज में आपको 100% होना पड़ेगा, तब जाके आप फुटबॉल खेल सकते हैं। और खाइए खूब पेट भर के, हाँ जो मिलता है आप वही खाइए, ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। इंटरनेट हाँ कोई कोई बाहर का फूड नहीं, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो एकदम ताज़ा खाना और अपने चने भून के या चना पानी वो पानी के साथ उसको स्प्राउट्स करते हैं उसको लेके खाएं, तो ज़्यादा आपको स्टेमिना बनेगा। जितना स्टेमिना चने से होता है और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान से जुड़ा, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है? ये तिरंगा मेरी जान है, ये तिरंगे के लिए हम पहचाने जाते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं, हमने पूरा यूरोप वर्ल्ड घूमे हैं, तो ये तिरंगा, विदाउट तिरंगा हम किसी को ये नहीं कह सकते मैं कहाँ से आया हूँ। अब तिरंगा देखते हैं हम लगा के छाती में लगा के बोलते हैं हम इंडिया से हैं, तो एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि तिरंगा अपना जान है।